बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कुचायकोट पंचायत खौजरी महुआ का एक जमीनी विवाद मामला है, जो कि सरकार द्वारा बंदोबस्ती का जमीन शेड्यूल कास्ट के द्वारा दिया गया था बसने के लिए, और 1993 में जमीन दिया गया था, 34 साल तक लोगों के कब्जे में था गरीबों के, मगर कुछ नेता अचानक पावर में आते हैं और जमीन को कब्जा कर लेते हैं और इनको बेघर कर दिया जाता है। तो ये मामला हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये मामला क्यों हुआ और जमीन लगभग कितना है वो खुद बताएंगे, हम देखना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार मांझी है, मेरे पिताजी का नाम रामेश्वर मांझी है। और जो जमीनी मामला है ये क्या है मामला, ये बता दीजिए। सर मेरा जमीन सरकार से मिला था, सरकारी जमीन मिला था करीब आपको 1993 में, 2025 तक हम लोग रसीद और दस्तावेज भी है, और उसको जबरन बाहर से ट्रैक्टर बुला करके गुंडा बदमाशों को बुला करके एक दिन में चार चार ट्रैक्टर चला करके। वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने आपको जमीन कब्जा किया था? वो मुखिया प्रतिनिधि है रिंकू तिवारी प्रताप तिवारी, जो बाहर से व्यक्ति बुला करके बाहर से ट्रैक्टर बुला करके गन बंदूक दिखा करके जबरदस्ती जोत लिया गया। जमीन कितना कब्जा किया गया? करीब 32 बीघा। 32 बीघा में 10 लोग है, 10 लोग है। जैसे कुछ लोग दुसाध जाति से हैं, कुछ लोग गोड़ जाति से हैं, कुछ लोग चमार जाति से हैं, उन्हीं लोगों में से सबका जोत लिया गया है। जैसे कि लाल बहादुर शाह और शिवजी शाह, मोटर शाह, सिनाथ राम और दीनानाथ मांझी और हीरा मांझी और उसमें नगेंद्र मांझी भी शामिल। ये जमीन मतलब ये जो कब्जा करने वाले इतने लोग हैं, इतने जमीन लोगों का छीना गया। अच्छा, इतने लोगों का छीना गया। तो आपने प्रशासन के पास आपने इन्फॉर्म किया? जी, प्रशासन के पास भी इन्फॉर्म किया और जिला में भी किया, डीएम साहब को भी किया, एसपी साहब को भी किया और ग्राम कचहरी में भी आवेदन दिया। थाने से 3 दिन बाद नोटिस जाने के बाद भी उनको कोई वो असर नहीं, बोल रहे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कौन बोल रहे थे? क्योंकि थाने से थाने से नोटिस आया था 3 दिन बाद उनके घर पे, फिर भी नहीं गए। तो फिर जबरन जमीन कैसे जब्त कर लिए हैं उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि मामला क्या है और कैसे इन लोगों को न्याय दिलाएंगे। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा कहना है कि सरकार भूमिहीनों को जमीन दी, जमीन इनको 1993 में दी, 1993 से लगातार इसमें जोत को खा रहे थे। मैंने पता किया तो उसमें 4 पेड़ था, 4 पेड़ हरे हरे थे और गवर्नमेंट के बल पर ये लोग कटवा लिए। ये वन विभाग के पास भी गए थे, थाना में भी गए थे, लेकिन किसी ने इनका बात नहीं सुना। वो मुखिया प्रतिनिधि है और शुरू से उन लोगों का एक इतिहास रहा है। अगर थाने में देखा जाए रिकॉर्ड तो अपराध का रिकॉर्ड है, कहीं से भी साफ सुथरे नहीं है। फिर हम लोग गए एसपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ गए, वहाँ लिखित आवेदन दिया गया, उसका पतलाम संख्या 2083 है और 22/7/2024 को दिए और वो भी अभी तक थाना में नहीं पहुँचा, क्या कारण है। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया, उसका 11/43/2020 हुआ है 22/7/2024 को। उसके बाद ये आपको कहिए कि एसपी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी और जिला समाज का तमाम लोगों को लिखने के बावजूद भी ये लोगों के काम पे जू नहीं रह रहा है, इसलिए कि वो बड़े लोग हैं, सामंती लोग हैं और शुरू से बहुत सारा जमीन लोगों को दबा के रखे हैं और पुलिस प्रशासन भी इनके पक्ष में खड़ा हुआ है, इसलिए इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। हमारे यहाँ कचहरी में इन्होंने आवेदन दिया, मैंने मुखिया को फोन किया, मुखिया नहीं है, मुखिया प्रतिनिधि है, मैंने फोन किया कि आप आइए, आपके ऊपर ऐसा ऐसा मामला है, तो ऊपर है कि कोर्ट से मुझे डिग्री मिली है। मैंने कहा था कि हमारे पास कागज दिखाइए, तो कागज दिखाने की बात कौन कहे, 2-3 बार फोन किया कि ये क्या हो रहा है। अरे हम लोग जब तक रहेंगे गरीबों के पक्ष में रहेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है, जिला प्रशासन नहीं सुनता है, तो इस सवाल को लेकर के हम लोग ब्लॉक पर सबसे हारेंगे, तो आंदोलन अनशन पर बैठेंगे और जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन सीओ से लेकर के तमाम लोगों को इस मामले को देखना होगा और इस गरीब के जमीन को वापस कराना होगा। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में करप्शन एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है, जो कि इन्होंने डीएम साहब मकसूद आलम को भी इन्होंने एप्लीकेशन दी है, आवेदन किया है, उन्होंने भी नहीं सुना, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पे करप्शन हो चुका है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि गरीबों को उनका जमीन मिल सके, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोगों को घर दिया जाए, बसने के लिए दिया जाए।